बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इंटीग्रेशन और उसकी एक्सरसाइज पे हैं हम 3.3 पे। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 3.3 हम सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.3 के अभी तक हमने क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर चुके हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज, यानी कि इस लास्ट क्वेश्चन, यानी कि जो कि है क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक तकरीबन सेम क्वेश्चन है। यानी कि उनका जनरल क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट द इंटीग्रल। मैं यहां पर लिख भी देता हूं, इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, इंटीग्रल्स इवेल्युएट द इंटीग्रल्स मतलब कि आपको कुछ फंक्शंस गिवन है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन, यानी कि एक फंक्शन गिवन है, उस फंक्शन को आपने इंटीग्रेट करना है। चाहे आप कोई फार्मूला यूज़ करें, कोई थ्योरम यूज़ करें, या फिर आप कोई सब्सटीट्यूशन यूज़ करें, यानी कि जो हमने 3-4 सब्सटीट्यूशंस पढ़ी हुई हैं उनमें से कोई यूज़ करें, या फिर उसको सिंप्लीफाई करके आप किसी तरह से इंटीग्रेट करें। तो कोई भी मेथड आप अप्लाई करें, आपको यहाँ पर बाउंड नहीं किया गया कि आपने किस तरह से कोई स्पेसिफिक मेथड यूज़ करते हुए आपने इंटीग्रेट करना है, नहीं, बल्कि आपको फ्री हैंड दिया गया कि आप किसी तरह से भी उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो हमें फंक्शन गिवन है वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर है 3/2। इसका हमने इंटीग्रल फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैसे आपको पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर डी एक्स ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो डी एक्स हो, डी टी हो, तो यहाँ से उसका मतलब है कि विद रिस्पेक्ट टू टी आपने उसको इंटीग्रेट करना है। अगर डी वाई है तो उसका मतलब है आपने विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करना है। अच्छा, फंक्शन फिर हमारे पास क्या है, फंक्शन मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से करके लिखता हूँ कि फंक्शन को अलहदा लिखता हूँ। फंक्शन है हमारे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, और इसको हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसलिए यहाँ पर साथ में डी एक्स मौजूद है। तो फंक्शन हमारा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इसको आप देखें कि क्या इस पर कोई फार्मूला या कोई थ्योरम अप्लाई होता है क्या, कोई, यानी कि अगर हम नीचे इसको फंक्शन कंसीडर करें, ऊपर हमारे पास जो है वो बन रहा है, मतलब इसका डेरिवेटिव बन रहा है, नहीं, ऊपर तो सिर्फ बन रहा है। अगर कोई कांस्टेंट इसका डेरिवेटिव होता है तो चले हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते थे ऊपर, लेकिन इसका डेरिवेटिव जो है वो 2x बनता है। लेकिन इस तरह से भी हम इसको नहीं देख सकते क्योंकि इसकी फंक्शन की पावर भी है 3/2। इसको अगर हम ऊपर लेकर जाएँ तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2 बनती है। ठीक है, -3/2 और साथ में 1 मौजूद है, तो क्या हम इसको, इसका डेरिवेटिव अब क्या बनेगा, इसका डेरिवेटिव 2x होना चाहिए साथ में, तब जाके हम इस पर वो पावर रूल अप्लाई कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर x है, x से तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, 2 से तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेकिन x तो एक वेरिएबल है, उससे हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो यानी कि ये फॉर्म भी नहीं बन रही, ये थ्योरम भी हम अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पर। उसके अलावा कोई इसके बाद अगर कोई थ्योरम अप्लाई नहीं हो रहा तो नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम कोई ना कोई सब्सटीट्यूशन देखते हैं कि क्या जो हमने सब्सटीट्यूशंस पढ़ी हैं उनमें से कोई एक सब्सटीट्यूशन अप्लाई होती है। देखें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, ठीक है, इस तरह से कोई भी फॉर्म हो तो आपने एक्स की जगह ए टेंजेंट थीटा यूज करना है इस फॉर्म के लिए। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह, मतलब कि ये फॉर्म आपके पास गिवन हो तो आपने एक्स की जगह क्या सब्सटीट्यूट करना है, ए टेंजेंट थीटा, उसको सॉल्व करने के लिए, ताकि वो इंटीग्रल उसका हम फाइंड कर सकें आसानी के साथ। ठीक है, तो आप ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कंपेयर करें तो ए स्क्वायर की जगह 1 है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर फिर क्या सब्सटीट्यूशन यूज़ करेंगे, इसकी जगह हम यूज़ करेंगे एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, 1 टेंजेंट थीटा कर लें तो टेंजेंट थीटा का इक्वल ही होता है। तो यहाँ पर हम x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक है, तो बाकी मैं इसको चले लिखा रह देते हैं इसको भी। तो जब x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा है तो अब हम यहाँ पर इसका इंटीग्रल भी फाइंड, यानी कि डिफरेंशियल फाइंड कर लेते हैं, ताकि विद रिस्पेक्ट टू जिस वेरिएबल के हमने जो है इंटीग्रेट करना है वो भी आ जाए। ठीक है, तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे डिफरेंशियल फाइंड किया, dx हो गया, x का डिफरेंशियल इज dx और टेंजेंट का क्या हो जाएगा, secant square theta into d theta,
ठीक है, मतलब कि अब हम डी एक्स की जगह सीकेंट स्क्वेयर थीटा डी थीटा यूज करेंगे और एक्स की जगह टेंजेंट थीटा यूज करेंगे, ठीक है, जो हमारा गिवन फंक्शन है उसमें। तो चले हम लिखते हैं, फंक्शन हमारा है 1 ओवर 1 प्लस x² की पावर 3/2 और डी एक्स है। अब यहां पर देखें x की जगह हमने क्या पुट करना है, x की जगह हमने पुट करना है टेंजेंट थीटा, x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, यहां पर जो मैंने सब्स्टिट्यूशन यूज किया, ठीक है। तो 1 ओवर 1 प्लस x² की जगह टेंजेंट स्क्वेयर थीटा बन जाएगा, टेंजेंट स्क्वेयर थीटा, और उसकी पावर जो है वो उसी तरह से रहेगी 3/2 और साथ में dx मौजूद है। अब dx किसके इक्वल है, dx हमने ऊपर डिफरेंशियल लिया जब हमने जो सब्स्टिट्यूशन यूज किया है उसका डिफरेंशियल लिया, तो उससे हमारे पास dx की वैल्यू आ गई जो कि है secant square theta into d theta। यहाँ पर लिख लेते हैं secant square theta into d theta, ये हमारे पास इंटीग्रल बन गया इसका। तो आगे सॉल्व करना बहुत आसान है, ठीक है, इसको आपने इंटीग्रेट करना है, पहले तो सॉल्व करेंगे इसको, फिर आपके पास फंक्शन बनेगा, उसको आप इंटीग्रेट करेंगे और वापस आपने जो है रिजल्ट जो है इसमें एक्स की फॉर्म में लाना, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन गिवन है एक्स की वेरिएबल में, ठीक है, एक्स की फॉर्म में। तो आपने क्वेश्चन को यानी कि अपने रिजल्ट को जो भी आपका इंटीग्रल आएगा उसको वापस आपने एक्स की फॉर्म में लेके आना है, जो कि इसी सब्स्टिट्यूशन से आप फाइंड कर सकेंगे, ठीक है। थीटा की वैल्यू होगी या साइन थीटा या सेकेंट थीटा या टैन थीटा, जो भी है आप फाइंड कर लेंगे। तो वो फाइंड करना मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है, ठीक है, पिछले लेक्चर्स में आप देखें तो जहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशंस को यूज़ किया था। तो आप इसको इस क्वेश्चन को खुद कंप्लीट करें, यह आपकी प्रैक्टिस है, ठीक है, आपकी एक्सरसाइज है। तो हम ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपने खुद से ट्राई करना है, इसमें आपको मैंने मेथड बताना था वो मैंने आपको मेथड यहाँ पर बता दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 10 भी यही है कि आपने इंटीग्रल फाइंड करना है और आपको जो फंक्शन गिवन है वो है 1 ओवर 1 प्लस x² × tangent inverse of x, ठीक है। ये फंक्शन है, इसको आपने इंटीग्रल इंटीग्रेट करना है, ये मैंने इंटीग्रल साइन डाला और साथ में डी एक्स आ जाएगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स के आपने इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले तो आप क्या हमारा मेथड होता है इंटीग्रल फाइंड करने के लिए, कि हम देखते हैं कि कोई थ्योरम या कोई फार्मूला इस पर अप्लाई हो रहा हो उस फॉर्म में ये बना हुआ हो, अगर नहीं बना हुआ तो उस फॉर्म में आप बना लें, ठीक है। तो क्या ऐसा कोई मतलब कि केस बन सकता है कि हम इस पर कोई थ्योरम अप्लाई करें या फिर कोई इस पर फार्मूला इंटीग्रल का अप्लाई करें। मैं थ्योरम और फार्मूला क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हम ये पहले पढ़ चुके हैं, थ्योरम्स हम पहले इंटीग्रल के पढ़ चुके हैं और फार्मूलाज भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उनमें से आप चेक करें कि कोई यानी कि इस पर अप्लाई होता है या नहीं होता। मुझे तो इसकी समझ आ गई है कि ये किस तरह से इसको हम यानी कि थ्योरम में कन्वर्ट करेंगे या फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि सपोज हम ये करते हैं कि 1 ओवर आप अगर इसको कंसिडर करें 1 ओवर दिस, ठीक है, अगर इसको मैं लिखता हूँ 1 ओवर 1 प्लस x² divided by tangent inverse of x, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ इसको। अगर मैं दोबारा से इसको यानी कि कहूँ कि 1 ओवर 1 प्लस x² है, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड ही हो रहा है ना, क्या डिवाइड हो रहा है, डिवाइडेड बाय टेंजेंट इनवर्स ऑफ x, टेंजेंट इनवर्स ऑफ x। तो इसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं 1 ओवर x² × 1 ओवर tan inverse of x, अब न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 हो जाएगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ओवर 1 प्लस x² × tangent inverse of x, वही फॉर्म आ जाती है ना, मतलब कि हम इसको 1 ओवर 1 प्लस x² × tan inverse of x को हम लिख सकते हैं 1 ओवर x 1 प्लस x² divided by tan inverse of x, ठीक है। तो मैंने ये समझाना था आपको कि इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। चलिए आप इसको रब कर देते हैं क्योंकि समझ तो आ गई आपको। चले अब इस तरह से अगर हमने लिख लिया इसका हमने इंटीग्रल फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर आप देखें जो डिनोमिनेटर में आपके पास फंक्शन है, मैं इसको सर्कल कर देता हूँ, ये आपके पास सपोज क्या है, फंक्शन है, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव आप लेके देखें, डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स क्या होता है, टेन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 प्लस x²,
ठीक है। तो अगर आपको डेरिवेटिव्स याद है तो ये भी आपको याद होगा कि टेन वर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या ये वही फंक्शन नहीं है ऊपर, ठीक है, मतलब कि ये क्या है, टेन इनवर्स ऑफ एक्स को हमने कहा हुआ है एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव इज इक्वल टू ये आया वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वेयर। तो इसको हम कह सकते हैं एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वेयर, मतलब कि इसको फिर हम क्या कहेंगे, एफ प्राइम ऑफ एक्स, नीचे फंक्शन, डिनोमिनेटर में फंक्शन और न्यूमिनेटर में क्या है उसका डेरिवेटिव मौजूद है और उसका हमने इंटीग्रल फाइंड करना है। तो ये फॉर्मूला कौन सा बनता है, ये थ्योरम बन जाता है, चले मैं थ्योरम भी यहाँ पर लिख देता हूँ, न्यूमिनेटर में क्या है एफ प्राइम ऑफ एक्स और डिनोमिनेटर में फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसका हमने इंटीग्रल फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये इक्वल होता है नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन के, ठीक है, प्लस सी। तो यही थ्योरम यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलें हम जो हमें फंक्शन गिवन है उसकी रिस्पेक्ट से हम यहाँ पर उसका थ्योरम अप्लाई कर देते हैं कि फंक्शन ये है और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव है, तो ये इक्वल आएगा इसका इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू होगा किसके, नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन के, फंक्शन यहाँ पर है टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स, टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स, और प्लस सी हम लिख देंगे क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल है। इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है, ठीक है, तो उसकी डिटेल में अब मैं दोबारा से नहीं जाऊंगा। अगर आपको नहीं पता तो आप वो लेक्चर जो है दोबारा से देखें ताकि आपको समझ आ जाए कि इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या होगा। अच्छा, ये हमने फाइंड कर लिया इसका इंटीग्रल, यानी कि इसको जो हमें फंक्शन गिवन था उसका उसकी हमने इंटीग्रेशन फाइंड कर ली है, ठीक है। अगर आपको इस तरह से समझ नहीं आया तो चले मैं इसका ऑल्टरनेटिव मेथड भी बता देता हूँ कि हम इसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। सपोज मैं दोबारा से वो फंक्शन लिखता हूँ, फंक्शन हमें गिवन था वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वेयर और साथ में मौजूद था टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स और उसको हमने इंटीग्रेट करना था विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैं कहता हूँ कि टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स को आप समझें एक वेरिएबल के इक्वल, टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स लेट कर लें, टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स किसके इक्वल है, वो इक्वल है यू के, ठीक है, सपोज कर लें। चलिए अगर आपने सपोज कर लिया तो फिर इसका आप डिफरेंशियल भी दोनों साइड पे फाइंड कर लें, राइट साइड का डी यू आ जाएगा और इसका क्या आ जाएगा, वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स, ठीक है। तो मतलब के वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी यू आ गया। अब आप अगर दोबारा से अपने फंक्शन को देखें तो आपका फंक्शन है क्या, फंक्शन है आपका वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखूं तो किस तरह से लिख सकता हूँ इसको मैं, वन ओवर टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स इंटू वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स, ये वही चीज़ नहीं है, बिल्कुल वही है, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ बन जाएगी वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा उसको यानी कि अलग अलग करके दो फंक्शंस को मैंने लिख दिया जो दो फंक्शन इसमें इंक्लूड थे, ठीक है। तो अब क्या है कि मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि अब यहाँ पर आप अगर देखें तो वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स जो है वो ये फॉर्म है, इसके इक्वल है, मतलब कि वो फिर आप ऊपर देख सकते हैं किसके इक्वल हमने लिखा हुआ है डी यू, तो हम इसकी जगह डी यू रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लिख देते हैं, इसकी जगह मैंने डी यू डी एक्स की जगह आ जाएगा ये डी यू। उसके अलावा टेन इनवर्स ऑफ एक्स, वन ओवर क्या है टेन इनवर्स ऑफ एक्स, टेन इनवर्स ऑफ एक्स क्या है, टेन इनवर्स ऑफ एक्स हमने पहले से लेट किया हुआ है इज इक्वल टू यू, तो वन ओवर यू और बाकी चीजें वही, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया क्या, अब हमने सिर्फ यहां पर किया क्या है, किया ये है कि टेन इनवर्स ऑफ एक्स को मैंने यू के इक्वल सपोज किया, उसके बाद जो हमारी सपोजिशन थी उसको हम उसका हमने डिफरेंशियल फाइंड कर लिया,
डिफरेंशियल फाइंड करने के बाद हमने देखा आपने फंक्शन को दोबारा से उसमें उसकी जगह जो जो मैंने सब्स्टिट्यूशन यूज़ करनी थी वो हमने यूज़ कर ली, ठीक है, यानी कि यू की जगह टेन वर्स ऑफ एक्स की जगह हमने यू पुट कर दिया और जो है वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स जो है वो इक्वल टू डी यू था, डिफरेंशियल से हमें पता चला और वो स्क्वेयर जगह हमने यहाँ पर डी यू पुट कर दिया। तो अब हमारे पास फंक्शन क्या बन गया, वन ओवर यू, ठीक है, उसको हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू यू के ही, मतलब कि अगर आप कहें कि वन ओवर एक्स का इंटीग्रल क्या है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये वही चीज़ है, सिर्फ वेरिएबल का फ़र्क है, ठीक है, इसमें एक्स है इसमें यू है, ठीक है। तो मैं एक्स से इसलिए आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ क्योंकि हम पहले से शुरू से एक्स की रिस्पेक्ट से इंटीग्रल फाइंड करते आए हैं या उसका डेरिवेटिव फाइंड करते आए हैं, तो इसलिए मैं इसको उसके साथ कंपेयर करता हूँ, ठीक है, ताकि समझना हमारे लिए आसान हो। तो इसका इंटीग्रल फिर क्या बनेगा, नेचुरल लॉग ऑफ यू, नेचुरल लॉग ऑफ u प्लस सी। अब u क्या है, हमारे पास तो क्वेश्चन जो था हमारे पास x की फॉर्म में था, ठीक है, x उसमें वेरिएबल था, तो हमने दोबारा से x की फॉर्म में लाना, तो u हम देखते हैं कि क्या है, किसके इक्वल है, हम अपनी सब्स्टिट्यूशन अगर देखें तो u इक्वल है tan इनवर्स ऑफ x के, तो हम यहाँ से पुट कर सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ tan इनवर्स ऑफ x प्लस सी। तो क्या ये वही रिजल्ट नहीं आया, नेचुरल लॉग ऑफ tan इनवर्स ऑफ x प्लस सी ये रिजल्ट है, और ऊपर हमने जो दूसरा मेथड यूज़ किया था, ठीक है, वो भी उसमें भी रिजल्ट यही आया था, मतलब मेथड जो भी आप यूज़ करें रिजल्ट आपके पास सेम आ रहा है, समझना जो जो मेथड आपको आसान लगता है, ठीक है, समझने में आसान लगता है वो मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या, कौन सा फंक्शन गिवन है जिसका हमने इंटीग्रल फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें फंक्शन गिवन है वन वन प्लस एक्स ओवर वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर रूट, ठीक है, ये फंक्शन हमें गिवन है और इसका हमने इंटीग्रल फाइंड करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, अब यहाँ से हम पहले तो फंक्शन को एनालाइज करेंगे, क्या इसका कोई यानी कि फार्मूला बन रहा है या फिर कोई थ्योरम की फॉर्म बन रही है कि इस पर हम थ्योरम अप्लाई कर सकें इंटीग्रल का, या फिर कोई ऐसी सब्स्टिट्यूशन हमें हमारे जहन में आती है इसको देख के कि क्या हम इस पर कोई सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकते हैं ताकि इसको हम इंटीग्रेट कर सकें। तो अगर आप चेक करें तो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव वाला फॉर्म भी नहीं बन रही, वो थ्योरम भी नहीं बन रहा, उसके अलावा सात फंक्शन हो और उसके साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, ठीक है, फंक्शन की पावर और उसके साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, ऐसा भी थ्योरम नहीं हमारे पास बन रहा, ठीक है, बना के भी देख लें नहीं बनेगा। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन जो थी हमारे पास कौन सी थी, तीन चार सब्स्टिट्यूशन हमने पढ़ी थी, ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर या एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इसका स्क्वेयर रूट या इस तरह से तीन चार, ये भी फॉर्म नहीं बन रही, उसमें सब में एक्स की पावर टू है, ठीक है, तो मतलब कि ये सब्स्टिट्यूशन भी हम यूज़ नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करें, इसको इंटीग्रेट तो हमने करना ही करना, ठीक है, तो कैसे इसको इंटीग्रेट हम करें, ठीक है, जब कोई थ्योरम नहीं बन रहा या फार्मूला नहीं बन रहा और उसके साथ साथ कोई सब्स्टिट्यूशन उस पर अप्लाई नहीं हो रही, यानी कि सब्स्टिट्यूशन की फॉर्म भी नहीं है हमारे पास, तो हम उसको उस फंक्शन को किसी तरह से सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद हम देखते हैं कि कोई फॉर्म बनती है तो उससे हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इसको हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, अगर आप देखें, चले मैं इसका सबसे पहले तो ये काम करता हूँ कि स्क्वायर रूट्स इसके अलग अलग कर देता हूँ, मतलब कि न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट अलग कर देते हैं, वन प्लस एक्स का स्क्वायर रूट बन जाएगा और डिनोमिनेटर में वन माइनस एक्स का स्क्वायर रूट अलग से बना देते हैं, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों फंक्शन जो है वो उसके ऊपर होल स्क्वायर रूट है तो उसका हम अलग अलग से उसका स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। अच्छा, इस तरह से अगर हमने लिख दिया, अब भी कोई उस तरह से फॉर्म नहीं बन रही, कोई थ्योरम नहीं बन रहा, अगर इसको आप फंक्शन कैसे करें ऊपर डेरिवेटिव नहीं बनता, ठीक है, तो मौजूद नहीं है और ना हम बना सकते, तो हम ऐसा करते हैं फिर कि इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि चलिए मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, वन प्लस एक्स स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट, ये हमारे पास फंक्शन है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं वन प्लस एक्स स्क्वायर रूट से और डिवाइड भी करते हैं वन प्लस एक्स स्क्वायर रूट से, ठीक है, किसी एक चीज़ से मल्टीप्लाई और किसी एक चीज़ से उसी चीज़ से डिवाइड कर दिया जाए तो फंक्शन पे अफेक्ट नहीं होता, ठीक है, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। तो हमने ऐसा किया क्यों फिर, अगर असर नहीं पड़ता तो हमने ऐसा इसलिए किया ताकि हमारा फंक्शन सिंप्लीफाई हो जाए,
ठीक है। अब सिंपलीफाई कैसे होगा देख लें आप, अभी मैं सिंपलीफाई आपको करके दिखाता हूँ। अच्छा साथ में ये डी एक्स भी मौजूद है तो ये डी एक्स भी लिखते हैं। अच्छा अब इसको हम सिंपलीफाई करते हैं, तो वन प्लस एक्स ये है और वन प्लस एक्स ये है, दोनों यानी कि वन प्लस एक्स हैं तो इसका स्क्वायर बन सकता है, वन प्लस एक्स का स्क्वायर और दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, इस तरह से आ जाएगा ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो फार्मूला बनता है ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा फिर उसके ऊपर होल स्क्वायर रूट। अब न्यूमरेटर में अगर आप देखें तो न्यूमरेटर में स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास रिजल्ट में क्या फंक्शन बनेगा, वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इसका हमने इंटीग्रल फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसके दो तरीके चले मैं बता देता हूँ कि एक तो ये है कि देखें आप डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो वन माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म बनी है, वो सब्स्टिट्यूशन आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ठीक है। तो यानी कि सब्स्टिट्यूशन फिर क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी मैं बता देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो या इस तरह से हो, तो हम ए साइन थीटा सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं, वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड से मैं सॉल्व करवा देता हूँ। दूसरा मेथड ये है कि आप इसको अलग अलग कर दें, वन ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट यानी कि वन से भी डिवाइड हो रहा है और एक्स को भी डिवाइड कर रहा है ठीक है, वन माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, अलग अलग इसका इंटीग्रल साइंस भी लिख देते हैं क्योंकि हमने सेपरेट कर दिया। अब हम इसको दो फंक्शन को अलग अलग इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, तो ये तो आपको पता है कि ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स इसके इंटीग्रल होगी, साइन इनवर्स ऑफ एक्स मैंने डायरेक्टली क्यों लिख दिया, क्योंकि हम पहले इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं जिसमें हमने सब्स्टिट्यूशन यूज़ की थी, ये फॉर्म है एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, इसमें सब्स्टिट्यूशन पुट करेंगे उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एंड में रिजल्ट साइन इनवर्स ऑफ एक्स ही आएगा ठीक है। उसके अलावा अब इसके साथ ये भी फंक्शन मौजूद है, इसको भी हमने इंटीग्रेट करना है, तो अगर आप देखें नीचे चलें हम इसको ऊपर ले जाते हैं, वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर है वन बाई टू, नीचे वन बाई टू थी ऊपर आके माइनस वन बाई टू हो जाएगी, साथ में एक्स मौजूद है। अच्छा अब ये एक फंक्शन आप इससे कंसिडर करें वन माइनस एक्स स्क्वायर को, और उसकी पावर भी मौजूद है, जो भी पावर हो उससे हमें अर्थ नहीं है ठीक है, अभी तो मैं थ्योरम बनाना चाह रहा हूँ, फंक्शन है उसकी पावर है साथ में उसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्या होना चाहिए इस फंक्शन का, माइनस टू एक्स होना चाहिए, तो एक्स तो मौजूद है यानी कि माइनस टू की कमी है यहाँ पर, तो माइनस टू से हम मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं यहाँ पर ठीक है, माइनस टू से ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी वजह से फिर बाहर माइनस टू से डिवाइड भी कर दें ठीक है, यानी कि माइनस टू से हमने मल्टीप्लाई भी किया एक फंक्शन को और माइनस टू से डिवाइड भी किया, कॉन्स्टेंट है माइनस टू तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा ये तो था साइन इनवर्स ऑफ एक्स, इसको तो इसी तरह से लिख देते हैं माइनस, अब यहाँ पर प्लस है लेकिन ये इस माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा और टू ये पॉजिटिव कर देते हैं। इंटीग्रल ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस वन बाई टू और साथ में माइनस टू एक्स, और इसको हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। अब यहाँ से आप देखें ये फंक्शन है उसकी पावर है और साथ में उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो पावर रूल लग जाएगा, पावर रूल आपने पढ़ा हुआ है पहले ठीक है, तो वो मैं डायरेक्टली यहाँ पर पावर रूल अप्लाई कर देता हूँ, माइनस वन बाई टू ये तो इसी तरह से आ जाएगा, उसके बाद वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर में एक इंक्रीमेंट माइनस वन टू प्लस वन और डिवाइडेड बाय जो पावर है माइनस वन बाई टू प्लस वन ठीक है, तो प्लस सी साथ में लिख देते हैं क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल है, तो हमारे पास ये फाइनली रिजल्ट ये बनेगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वन बाई टू और वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी, वन माइनस वन बाई टू इज वन बाई टू डिवाइडेड बाय वन बाई टू ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं यानी कि ये टू ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास वन बाई टू से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर वन बाई टू, अगर आप इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ
वन माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस सी, यहाँ पर भी प्लस सी लिख देते हैं क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, हमने इसको सॉल्व किया। तो दो तरीके से सॉल्व हो सकता था, आप ये मेथड भी यूज़ करके देखें, अगर सेम रिजल्ट आया तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सेम आना चाहिए, अगर की बात नहीं सेम रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। तो आप इससे भी सॉल्व करके देखें और ये इससे भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इसकी क्वेश्चन की, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं क्योंकि लेक्चर का टाइम भी कंप्लीट हो चुका है, बल्कि ओवर हो चुका है। तो यहाँ पर मैं लेक्चर को ख़त्म करता हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी क्वेश्चन जो है कम्प्लीट, यानी कि उनको कवर करने की कोशिश करेंगे।